माई नेम इज़ उफक अली। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट है। तो हमने इस क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने देखना तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो सिंपली उसी तरह आएगा एक्स प्लस 1/3, लेकिन 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2^4/3 माइनस 6x। तो अब हमने देखना था एलसीएम क्या है। मैंने कहा डिवीजन के जो नंबर हैं उन्हें बाहर लेकर चेक करते हैं एलसीएम क्या है। अगर डिवीजन सेम होती है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो फिर एलसीएम भी वही होता है अगर सेम हो तो। यानी 3 एलसीएम है तो मल्टीप्लाई करें सबके साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x, इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया 3^6x 4/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 3^6/18x, इसके साथ कट गया क्या आया 3x, क्या बचे प्लस 1, इधर क्या है 6x, ये इसके साथ कट गया 4, ये आ गया 18। तो x के जो हैं एक जगह हम वैल्यू इकट्ठी करेंगे, ये आ गया 3x प्लस 1, ये 6 है ये 18 है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, यानी 18 से 6 माइनस किया तो क्या आया 12x। लेकिन ये क्या है साइन, प्लस है ये क्या है माइनस, जिसकी यानी जो साइन बड़ा होता है वो लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन कैपिटल का आता है, तो इसका क्या आएगा माइनस आएगा, तो इधर क्या बचा है माइनस 4। तो अब क्या करना है, एक्स के दो वैल्यू हैं हमने तो फाइंड करना है एक्स, तो एक्स की जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो किधर लेकर जाना है 12 को इधर लाना है या इसको उधर लेकर जाना है। मैंने कहा जो बड़ी वैल्यू हो छोटी छोटी एक्स वाली को उधर लेकर जाते हैं, माइनस 12 छोटा है प्लस 3 से, माइनस छोटी होती है, इधर आ जाएगा, इधर आ गया प्लस हो गया, ये प्लस 1 उधर जा गया होगा माइनस 1, तो ये आ गया 15x, ये माइनस 5, माइनस 5/15। सॉल्यूशन सेट क्या आया माइनस 5/15, यानी ये कट गया 1/5/3, यानी 1/3, इसका आंसर क्या है माइनस 1/3, माइनस 1/3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका आंसर आया 5x माइनस 5/15/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। तो मैंने ये कहा है कि जो डिवीजन में नंबर होते हैं इन्हें हमने बाहर लेकर आना है, हमने ये चेक करना है कि इसका एलसीएम क्या है 6/9, यानी ये किस पे डिवाइड हो रहा है 3 के ऊपर, 3^2/3 2^1/3 उसी तरह, अब 3 के ऊपर 3^1/3 क्या एलसीएम है 3^2/6 6^3/18, इसका जो एलसीएम आया 18 आया, तो 18 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, फिर इसके साथ, फिर 1 के साथ, फिर x/9 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5x-15/6, इसके साथ मल्टीप्लाई किया किसको, ये जो एलसीएम बना है 3^2/6 6/18 जो एलसीएम है, सही है ना, ये जो हम एलसीएम बनाते हैं सब को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ क्या किया 18 को मल्टीप्लाई, अब किसके साथ करना है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 18x, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 18 को 18x, तो ए के साथ मल्टीप्लाई किया 18 को 18/1/18 माइनस x/9 के साथ मल्टीप्लाई किया किसको 18 को, तो ये देखें 6/1/6 3/3 बच गया, सही है ना। अब 3 ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इन दोनों के साथ, 5x के साथ भी और माइनस 15 के साथ, 5 3 5/15 15x माइनस
315 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 45 माइनस ये आया 18 एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 18 माइनस 9 टू बार 18 टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ टू एक्स बार टू एक्स आ गया। अच्छा ये देखें इसका क्या आंसर है, ये 15 है तो ये क्या माइनस 18 तो ये क्या है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस साइन होता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी 18x से हम माइनस करेंगे 15x को तो ये आएगा 3x, तो साइन किसका आएगा जो कैपिटल होता है, ये कैपिटल है माइनस 18 साइन इसका आएगा माइनस 3x, तो साथ क्या है माइनस 45 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x माइनस 2x। तो अब ये देखें x की कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, ये भी है ये भी, तो मैंने ये बताया है जो वैल्यू बड़ी होती है एक्स की छोटी को तो लेकर जाते हैं। अब ये देखना है माइनस 3x कैपिटल है या माइनस 2, माइनस 2 कैपिटल है, जो माइनस में रकम बड़ी होती है वो हकीकत में छोटी होती है, यानी ये माइनस 2x ये प्लस माइनस और इधर आ क्या होगा प्लस 3x, तो ये जो 18 है ये प्लस है तो इधर आ क्या होगा माइनस माइनस 18। तो अब ये देखें इसका क्या आंसर आ रहा है, माइनस 45 है और साथ क्या है माइनस 18, तो ये आएगा 3 6 ये आया 63, तो इधर क्या है 3x, ये साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3x में से 2 को माइनस किया तो 1x बचा, तो साइन क्या आना, साइन बड़ी रकम का आता है, तो ये क्या है वो प्लस है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइड पे उसने दिया है x नॉट इज इक्वल टू 2, ये इसलिए दिया है कि अगर ये 2 के बराबर होता तो ये क्या होना था, यह हम अगर पुट करता प्लस 2 की वैल्यू, प्लस 2 माइनस 2 0, तो 0 की वजह से ये क्या आंसर आना था इन्फिनिट, यानी कोई आंसर नहीं लामहदूद कह लें इन्फिनिट, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा इसलिए उसने बता दिया कि ये एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 के। अच्छा तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने ये बताया होगा कि हमने क्या लेना होता है एलसीएम, तो अब ये देखें जो डिवीजन में उसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, वो 3 कॉमन है ना, कॉमन 3 यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो 3 जब कॉमन आएगा 3 के साथ यानी कैंसिल हो गया तो क्या बचा है x लिख लिया मैंने 3 2 बार 6, तो इधर क्या आ गया 2 आ गया, यानी कॉमन लेने का ये तरीका है, जो कॉमन लेते हैं उसे इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, 3 के साथ क्या हो गया कैंसिल, x लिख लिया यहाँ, अब इसके नीचे 6 के नीचे जब 3 आएगा 3 2 बार 6, तो ये दूसरी साइड पे क्या है राइट साइड पे माइनस 2 2x ओवर x माइनस 2, ये उसी तरह आएगा। तो अब एलसीएम लेना आसान है, ये मैं जो डिवीजन में इन्हें बाहर लेके जाने लगा हूँ, एक है हमारे पास 3x माइनस 2, तो मैंने ये बताया हुआ है जो डिवीजन में चीज़ सेम होती है उसे एक दफ़ा लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है 3 एक दफ़ा डिवीजन में, साथ क्या है एक्स माइनस 2 है ये एक दफ़ा, तो ये सॉरी 2 दफ़ा है, लेकिन लिखना कितनी दफ़ा है एक दफ़ा, तो इसे डिवाइड करें तो किस पे डिवाइड होगा, तो ये अपने आप ही डिवाइड होना है किसके ऊपर 3x माइनस 2, इसके ऊपर जब डिवाइड होगा तो क्या होगा 1, तो ये क्या एलसीएम है 3x माइनस 2 3 × x माइनस 2, तो सब के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट है हमारे पास x ओवर 3x माइनस 2, इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे क्या एलसीएम आया 3 × x माइनस 2 3 x माइनस 2 के साथ, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया क्योंकि सब के साथ करना है, अब 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ भी किसे मल्टीप्लाई हमने करना है 3 x माइनस 2 के साथ, ठीक है
ये ऐसा करते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट पहले यूज़ हुई है। ये मैंने बताया है जो एलसीएम है 3x-2 के साथ इससे भी मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ भी से एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, तो अब जो लास्ट पे है -2x/(x-2) जो है इसके साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या एलसीएम, एलसीएम है 3x-2, इसके साथ हमने क्या कर दिया, ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3x-2 के साथ। तो अब ये देखें ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, x-2 इसके साथ, तो इधर क्या बच गया है, यानी इधर बच गया है ये जो x बचा है, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी जानम क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 बार 6, 6 6 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या आ गया 6x। ये देखें ना 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, तो 6 ने क्या करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना, इसके साथ भी, जब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आएगा 6x, जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6 2 बार 12, ठीक है 12 आ गया। तो आगे क्या है, ए माइनस, ये इसका आंसर तो ये आ गया। आगे क्या है, अब ये देखें ये x-2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x-2 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा x-2 के साथ, तो इधर एक चीज़ बची है 3 3, क्या हो रही है, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा। अच्छा ये देखें ये इसके साथ काट गया, 3 आया, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, 3 2 बार 6x, 6x। तो अब ये देखें कितना आसान हो गया, ये +6 है तो ये क्या है, -6 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है x इज़ इक्वल टू -12। तो सॉल्यूशन सेट क्या है वो हम लिख लेते हैं, यही सॉल्यूशन सेट है -12, इसका क्या है सॉल्यूशन सेट, ये हमारे पास आंसर आ गया जो सॉल्यूशन सेट है -6।